विनोद खन्ना की एक गलती की वजह से मिथुन चक्रवर्ती को एक्टर बनने के लिए 3 साल तक स्ट्रगल करना पड़ा था, वरना मिथुन चक्रवर्ती समय से पहले ही बॉलीवुड के स्टार के रूप में स्थापित हो चुके होते और उन्हें इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए। मिथुन चक्रवर्ती की मृगाया के बाद बॉलीवुड में सबसे पहले जो सबसे बड़ी पहचान बनी थी वो थी विनोद खन्ना सर के साथ। विनोद खन्ना से उनकी काफ़ी अच्छी पहचान बन चुकी थी। विनोद खन्ना ने जब पहली बार मिथुन चक्रवर्ती को सामने से देखा था तो उनकी पर्सनालिटी को देखकर वो काफ़ी प्रभावित हुए थे और उन्हें ये यकीन हो गया था कि ये लड़का बॉलीवुड में बहुत जल्द बहुत बड़ा कमाल करने वाला है। इसलिए विनोद खन्ना ने मिथुन चक्रवर्ती को काम दिलाने का वादा कर लिया और उन्हें यकीन दिलाया कि बहुत जल्द वो अपनी किसी फिल्म में उन्हें एक बहुत ही अच्छे रोल में काम दिलवाएंगे और विनोद खन्ना ने उनकी सिफारिश करनी शुरू कर दी। उसी दौरान बॉलीवुड में एक नया डायरेक्टर आया था जिसका नाम था जेपी दत्ता। वो विनोद खन्ना को लेकर फिल्म सरहद बनाना चाहता था। जेपी दत्ता विनोद खन्ना से मिले, विनोद खन्ना ने उनकी फिल्म की कहानी सुनी और हामी भर दी और उनकी कहानी को देखते हुए बहुत सारे उसमें ऐसे कैरेक्टर थे जिनके लिए बहुत ही अच्छे एक्टर की जरूरत थी, तो उन्होंने तुरंत ही मिथुन चक्रवर्ती को रेकमेंड किया। जब जेपी दत्ता मिथुन चक्रवर्ती से मिले तो उनकी आंखें और उनकी पर्सनैलिटी को देखकर काफ़ी इंप्रेस हो गए और उन्होंने विनोद खन्ना के अपोजिट मिथुन चक्रवर्ती को बराबर के रोल में साइन कर लिया और मिथुन चक्रवर्ती का एक बहुत ही दमदार फौजी का रोल था। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी और फिल्म लगभग आधी शूट हो चुकी थी। इसके बाद अचानक विनोद खन्ना ने एक ऐसी गलती की कि फिल्म कभी पूरी ही ना हो सकी। विनोद खन्ना उस दौरान ओशो से मिले और उनके शिष्य बन गए और अचानक विनोद खन्ना ने बॉलीवुड से संन्यास ले लिया और वो हमेशा के लिए बॉलीवुड को छोड़कर चले गए। अगर उस दौरान ये फिल्म बनकर रिलीज हो गई होती तो यकीनन बहुत ही बड़ी सुपरहिट साबित होती और उसी दौरान मिथुन चक्रवर्ती को नोटिस कर लिया जाता और मिथुन को 3 साल तक का लंबा संघर्ष नहीं करना पड़ता बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए। खैर, जेपी दत्ता ने मिथुन चक्रवर्ती के लंबे संघर्ष के बाद स्टार बन जाने के बाद 1983 में फिर से एक बार मिथुन को लेकर फिल्म गुलामी, जो कि बहुत बड़ी सुपरहिट साबित हुई और इस फिल्म में मिथुन का डायलॉग कोई सक बहुत ही बड़ा सुपरहिट हुआ था। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।